नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी बरसात के दिनों में टमाटर की फसल लगाते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, तो जब अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो आपने भी देखा होगा कि टमाटर के पत्ते के ऊपर इस तरीके से ब्लैक कलर की दाग धब्बा निकल आता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो किसान भाइयों, यह क्यों होता है? होने का मुख्य कारण है फंगस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंगस के कारण इस तरीके से रोग आते हैं और इस रोग को कहते हैं अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट कहा जाता है। किसान भाइयों, इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? इसको नियंत्रण करने के लिए हमें फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड को मिक्स करके यहाँ पर स्प्रे करनी चाहिए। तो दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, ब्लू कॉपर क्रिस्टल कंपनी की आती है, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% आता है। एक दवाई ये हो गई, और दूसरी दवाई एरीज कंपनी की प्लांटोमाइसिन आती है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके आपको टमाटर के फसल में स्प्रे करनी चाहिए। अब रही बात की डोज हमें कितना लेना चाहिए। 15 लीटर का यदि हमारे पास टंकी है किसान भाई, तो ब्लू कॉपर को हमें 30 ग्राम लेनी है, और एरीज का जो प्लांटोमाइसिन है उसको आप 5 से 7 ग्राम डालना है 15 लीटर के टंकी में। अच्छे से मिक्स करनी है, उसके बाद आपको स्प्रे कर देनी है। एक लोगों के मन में ये रहता है कि ब्लू कॉपर की मात्रा क्या हम 50 ग्राम डाल सकते हैं? तो किसान भाइयों, 50 ग्राम ब्लू कॉपर की मात्रा नहीं डालनी है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी पौधा जल भी जाता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो जल जाता है और पौधा को नुकसान करता है 50 ग्राम। तो ब्लू कॉपर 50 ग्राम नहीं डालना है।